तो बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ एंड आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 3 मंथ्स। सो आज जो है डेजिंग फेस्टिवल का ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है, तो आज हम वहीं पे जाएंगे एंड आई थिंक द इवेंट विल लास्ट टिल 7th of January 2020। सो आई होप द इवेंट विल बी अ ग्रैंड सक्सेसफुल। आई विल सी यू देयर। सो सब कुछ रेडी है, सो विल बी मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर सम टाइम। सो वी हैव जस्ट रीच सफागुड़ी। सफागुड़ी में पहुंच गए हैं और लगभग यहाँ से बस 5 या 10 मिनट का रास्ता होगा, ज़्यादा नहीं। अभी तो फ़िलहाल उतना भीड़ नहीं है, शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगा। जो आप रास्ता भी देख रहे हो इस तरफ से खाली खाली है, लेकिन फिर ये शाम के टाइम पर ये सब भीड़ हो जाएगा। तो चलते हैं फिर से। कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, हम पहुंच गए हैं हावरामा ब्रिज। पहले एंट्री फॉर डेजिंग फेस्टिवल वेन्यू, पहले उधर से एक बार घूम के आते हैं ब्रिज के तरफ से।
और शायद इस तरफ है बीजिंग का राइडर्स मीट होने जा रहा है इस तरफ। ये जो लोकेशन है ये राइडर्स मीट का लोकेशन है, चार से लेके छः तारीख तक का होगा शायद। यह पहला फर्स्ट टाइम ये लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। राइट नाउ ये स्पॉट में तो पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ पे पार्किंग के लिए शायद हमें एक अच्छी सी जगह ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि शाम के टाइम को निकलने के टाइम बहुत ही भीड़ हो जाएगा, तो सड़क के सामने ही पार्किंग करना बेहतर होगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पे हो चुका है पार्किंग, पार्किंग का चार्ज 100 ज़्यादा महंगा पड़ गया। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, सो शायद हमें टिकट लेना पड़ेगा। विदाउट टिकट एंट्री यहाँ पे अलाउड नहीं है, सो एक बार जाके देखते हैं। तो हमें वहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, सब लोग जा रहे हैं उसी की तरफ टिकट लेने के लिए। सो दिस द टुडेस प्रोग्राम, 4 बजे हॉट एयर बैलून होगा, फिर लोकल डांस परफॉर्मेंस। प्रोग्राम तो शाम को होगा, अभी फ़िलहाल टिकट लेके रख देते हैं, चाहे अभी हम एंट्री बाद में करें या फिर अभी कर लें। टिकट अभी अगर नहीं लोगे तो फिर शायद बाद में भीड़ हो जाएगा तो मिलेगा नहीं। किमान टिकट दूटा दी। सो हमने टिकट ले लिया, यहाँ से टिकट का प्राइस है 20 रुपये, ठीक ही है, पर फैट 20 रुपये का टिकट है और उतना महंगा नहीं है। कि अगर ज़्यादा ये लोग महंगा कर भी देता है तो फिर लोकल लोगों के लिए बहुत दिक्कत होगा टिकट लेने के लिए। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप लोग यहाँ पे एंट्री करने से पहले सिगरेट का बॉक्स, बीड़ी, लाइटर, ये जो चीज़ है ये सब प्रोहिबिटेड है, आप ये सब को अंदर लेके नहीं जा सकते हो। सो डैट्स इट। और बाकी सब कैमरा वगैरह सब तो अलाउड है ही। सो हम लोग पहले यहाँ पे घूम लेते हैं थोड़ा, फिर अंदर हम लोग थोड़ा बाद में चलेंगे, क्योंकि इस टाइम पे तो उतना प्रोग्राम है नहीं। पहले थोड़ा जो कंट्री साइड्स हैं तो थोड़ा सराउंडिंग से वो थोड़ा घूम लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे अंदर। दिस इज़ द बैम्बू ब्रिज, ये एक छोटा सा बैम्बू ब्रिज इन लोगों ने बनाया नदी के क्रॉस। अभी हम चलेंगे गेट की तरफ से, मेन गेट से एंट्री लेंगे, क्योंकि उस साइड जाने के लिए हमें मेन गेट से जाना पड़ेगा। इस साइड अगर हमें जाएंगे तो नदी क्रॉस करके जाना पड़ेगा हमें। ये तो टिकट तो ऑनलाइन करा जाए ना कि ऑनलाइन करा जाए ना कि ऑनलाइन कोड आसे ऑनलाइन किया किया होता है ना, ये ऑनलाइन हो जाए हैं, नहीं हो रहा है ना, बस अभी तो यही से काउंटर से ही हो रहा है। तो कितना हुआ? 8 हो गया। ये ले खिप कस्टम पूरा हाँ बाबा खालाम गुरु कस्टम। तो ब्यूटीफुल गेट, बहुत ही अच्छा गेट बनाया है अभी, और अभी हम लोग अंदर जाएंगे। आई थिंक आगे भी सिक्योरिटी चेक है यहाँ पे, तो सिक्योरिटी चेक हो चुका है, अभी शायद हेलीकॉप्टर राइड भी कर रहे लोग। और दुकान का है, दुकान का है उधर स्टेज के पीछे, स्टेज के पीछे कौन सा दुकान दिया है? ग्वेरिस होटल। तो चलेंगे हम तुम्हारे होटल में खाना खाने के लिए। और लेके आना और आदमी, लड़कियां लेके आओ, लड़कियां बेटा। भाई को फोटो खींचने से फुर्सत नहीं मिल रहे हैं,
तसल्ली नहीं हो रही अभी तक। एंड दिस साइड इन लोग ने यहाँ पे एक ट्रेडिशनल बोरो ट्रेडिशनल हाउस घर बनाया हुआ है, अंदर चल के देखते हैं। This is how it looks like, the traditional house of Bodos, and this is where the people used to pray, and this is called a Bathau. It's the house is simple, ऐसा कुछ नहीं है कि complex है, बहुत ही हर चीज़ simple है, जो मिट्टी से बनाया हुआ घर है। And everything, जो छत आप देख रहे हो यहाँ पे, it's made of the raw materials. और ये घर में ही जो लोग हैं इसमें वेविंग करते हैं लोग, इसी से दोखना फिर गमछा ये सब यही पे बनाते हैं। दिस इज़ हाउ द पीपल दे यूज टू मेक। और इस तरफ आप देख सकते हो बहुत सारा इक्विपमेंट्स, और जिससे मछली पकड़ने का ये सब चीज़ है, मछली पकड़ने का जाल है, मछली रखने का भी है, बहुत सारा आइटम्स हैं, वैरायटीज हैं। एंड दिस इज ये है सिल्क वर्म, जिससे आप सिल्क वगैरह ये से निकालते हैं। दिस इज अ मस्टर्ड प्लांटेशन, सरसों का ये खेत है। इस तरफ एलिफेंट रेड एलिफेंट सफारी आप ये पे यही से कर सकते हैं, और लोग जो है वहाँ पे है अभी करने जा रहे हैं, तो सामने से देखते हैं। यहाँ पे इन लोग ने बहुत अच्छा बैठने के लिए जगह बनाया हुआ है, और अभी तो बहुत बाकी है घूमने के लिए, सो इतने में हम लोग थक गए थोड़ा। अभी पूरा घूमने के लिए लगभग अभी एक घंटा से ज़्यादा लग जाएगा। So it was a fantastic night tonight. बहुत ही अच्छा लगा। अभी जोनिटा गांधी का परफॉर्मेंस हो गया, अभी नेक्स्ट जो आ रहे अभी विशाल और विशाल शेखर दोनों शायद आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। सो बहुत ही मज़े किया, पूरा पसीना हो गया। इट वॉज़ अ रियली फैंटास्टिक। तो टाइम अभी बच चुका है 10, सो हम लोग निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं यहाँ से, क्योंकि विशाल की परफॉर्मेंस के लिए उतना वेट नहीं कर सकते। समय हो चुका है, यहाँ से हमको घर जाने के लिए लगभग एक घंटा तो लगेगा ही। तो आई विल सी यू, सो मे बी अराउंड 4 और 5 इन
at the time of Daisy Riders meet. So I hope I'll be there. So देखते हैं वहाँ पे अगर आ सकते हैं तो 4 या 5 की तारीख को हम आएंगे. Signing off for today. So we'll see you in the next vlog.